आप देख सकते हैं कि हमें तो कांग्रेस ऑफिस पे आए हुए और हमारे सामने मौजूद है शेख फिरोज, जो शहर के कांग्रेस शहर अध्यक्ष है। आई इनसे तो हमें जानकारी लेते। फिरोज भाई, जो 13 तारीख को इलेक्शन होने जा रहे हैं, आपने इसके बारे में क्या फिक्र करी? 13 तारीख को पूरा ऐसा माहौल बने हुआ है, जो हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार हैं, जानो लोग सबके जो लोकप्रिय उम्मीदवार डॉक्टर कल्याण राव शिकारे, ये जो है तो आज ही ये पब्लिक ने इलेक्शन हाथ में लिया है और उनको आज मैं इतना कोई गवाही देता हूँ शहर अध्यक्ष के नाते, क्या सिल्लोड जितने भी जालना लोकसभा में जितने भी तालुके, सिल्लोड तालुके से डॉक्टर कल्याण राव बड़े को एकदम तो मतदान मिल गया शहर में। और ये जो माहौल बना है, ये जो तो बीजेपी सरकार है, इन्होंने आज तक जिस मुद्दे की कोई बात नहीं करी, शिक्षण के बारे में नहीं, बेरोजगारी के बारे में नहीं, यानी कोई इन्होंने सिर्फ अभी तक जातिवाद धर्म के नाम पर बांटने का काम किया है। इन्होंने आज तक कोई शेतकड़ियों की समझो नुकसान भर पाए इसके बारे में कोई नहीं, बस 15 लाख के झूठे वादे अभी तक पूरे झूठे झूठे वादे करके इन्होंने आज तक सरकार चलाई। इसके बाद इनके पास कोई ठोस मुद्दे ही नहीं, लेकिन आप देख रहे हैं राहुल गांधी की सभा है, राहुल गांधी का बोलना है महिला जो तेलंगाना में हमारी सरकार आई कांग्रेस की और गैस 500 रुपये चुका है, यहाँ 1100 1200 1200 रुपये चलेगा था, तो लोग महंगाई से तंग आ चुके और लोग यहाँ की जनता हिंदुस्तान की जनता बदलाव चाहती है और ये बदलाव के लाद एक सिल्लोड तालुके से यहाँ से शुरुआत होने वाली है और जालना लोकसभा में हमारे डॉक्टर कल्याण राव जो खड़े ये चुन के आने वाले। अभी जो है तो कल्याण आप बता रहे कि हरियाणा में उधर 500 रुपये गैस हो गया, आपके अगर आप सरकार यहाँ से शहर में महाराष्ट्र में आएंगे तो आप 500 रुपये गैस कर देंगे? गैस की बात नहीं, ऐसे बहुत मुद्दे हैं शिक्षण के बारे में, जो महिला है गरीब कुटुंब की जो महिला है उसको हर साल 1 लाख रुपये, ये जो मुद्दे हमारे पेपर आपने देख रही फॉर्मेट है मुद्दे संपादित फॉर्मेट है, ये पूरे 5 मुद्दे हमारे पूरे इसमें खड़ी उतरेंगी। तो ये आपकी जो 5 मुद्दे तो पूरे कर पाएंगे आप उनके आने पर? शिक्षण के बारे में, बेरोजगार के बारे में, युवाओं को नौकरियों के बारे में, सबको सामान, ये जो राहुल नारी सम्मान, ये पूरे पे खड़ी उतरेंगी। कांग्रेस 70 साल से राज कर रही है, कांग्रेस ने आज तक भेदभाव जातिवाद का राज कर रही, सभी धर्म के लोगों को साथ में लेके चलती है। अभी जो है तो जो 13 तारीख को इलेक्शन होंगे तो आवाम को घरों से कैसा किस तरह से निकालेंगे? सबसे यही अपील है, मैं सबसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि अपने अपने घर की जिम्मेदारी में, कि अपने घर में अभी तक कितने मतदान हो चुके हैं, कौन बाकी है, और भाई हमारे सबके वास्ते वाहन का इंतजाम है, अगर ये अगर किसका रास्ता ना लेगी, अगर अपनी खुद की गाड़ी है तो ये अपना फर्ज तो बनता है कि अपन बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और मतदान पूरा कराएं, गली में अपने पड़ोसियों को पूछे कि आपका मतदान होगा कि मतदान कराएं। और मैं तो ये सबसे ये अपील करता हूँ कि 100% मतदान कराएं, यानी सुबह सुबह 7 बजे उठ के मतदान कराएं। बाज लोगों के तो पोल शीट नहीं मिली, इसके बारे में क्या करना चाहेंगे? देखिए सरकारी जो पोल शीट है वो लोगों के नामों में मिस्टेक हो जाती है, तो कोई समझे आज मैं जो पहले कॉलेज के पीछे रहता था, लेकिन मैं अब रहने को बापू नगर में आ गया, मेरी पोल शीट वहाँ पर आने वाली है, तो वो हिसाब से बहुत ये लफड़ा हो रहा है, लेकिन हमने कल से जो तो कांग्रेस के भी लोग हमने पूरे शहर में पोल शीट के जरिए पूरे कुछ लेने लगाना शुरू कर दिया। अब इसके बाद छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याचा जिल्हा सरचिटणीस काँग्रेस पक्षाचा जालना लोकसभा मतदारसंघात महाविकास आघाडीने या ठिकाणी शेतकरी कुटुंबातील डॉक्टर कल्याणराव वैजनाथराव काळे यांना उमेदवारी दिली आणि खऱ्या अर्थानं या ठिकाणी गोरगरीब जनतेला एक आशेचं किरण या ठिकाणी निर्माण झालं। या ठिकाणी काँग्रेसला मतदान का करावं या संदर्भात मी थोडंसं या ठिकाणी सांगू इच्छितो आणि सर्व मतदारसंघातील शेतकरी बांधवांना, कामगार रोजगार बांधवांना आणि सर्व मतदार बंधूंना एक विनंती करेन की काँग्रेसला मतदान का करावं। या ठिकाणी मित्रांनो, मोदी सरकारनं आपल्याला 15 लाख रुपये देण्याचं आश्वासन जे दिलं होतं त्याच्यावर पहिली विधानसभा त्यांनी आपली लोकसभा त्यांनी जिंकली, त्याच्यानंतर 2019च्या निवडणुकीमध्ये या जालना जिल्ह्याचा खासदार स्वतः आपलं काहीतरी दुखतंय म्हणून दवाखान्यामध्ये ॲडमिट होऊन निमित्त केलं आणि दुसऱ्या लाटेमध्ये त्यांनी उज्ज्वला गॅसची एक योजना आणली आणि शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी देऊ असं आश्वासित केलं आणि त्या ठिकाणी सुद्धा या चहावाल्याने नबाडपणा केला आणि शेतकऱ्याला कुठलीही कर्जमाफी दिली नाही। आता सांगायचं झालं तर चांगली कामं करणारे लोक या ठिकाणी महाराष्ट्रामध्ये
महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन झालतं, परंतु यांनी आपल्या हुकूमशाहीनं ईडीचा धाक दाखवून त्यांना या ठिकाणी पक्ष फोडण्याचं काम केलं. दोन्ही पक्ष फोडले, त्याच्यानंतर आता काँग्रेसला सुद्धा अशोकराव चव्हाणांना मजबूर करून अक्षरशः त्यांना वेटाकेटीला आणून त्यांनी त्या ठिकाणी काँग्रेस पक्ष सुद्धा या ठिकाणी फोडण्याचा प्रयत्न केला, परंतु या ठिकाणी काँग्रेसचे लोक त्यांना जुमानले नाही आणि शेवटी अशोक चव्हाणांना त्यांच्या जर्नी जावं लागलं. परंतु या ठिकाणी मी जनतेला असं आवाहन करतो की काँग्रेसला मतदान का करावं. या ठिकाणी काँग्रेसनं आमचे युवा नेते राहुल गांधी यांनी 7,500 किलोमीटर पायी चालून ती संवाद यात्रा काढली आणि त्या संवाद यात्रेतून या ठिकाणी त्यांनी आपल्या भारतासाठी एक असं मोठं योगदान या ठिकाणी जाहीर केलं की मी या भारतातला गोरगरीब समाज कुठेही वाटेवर पडू देणार नाही आणि त्यांच्यासाठी महिलांसाठी या ठिकाणी योजना आणली की बुवा मी दरवर्षी महिलांना 1,00,000 रुपये देईल, म्हणजे अर्थातच महिन्याला गरीब महिलाला या ठिकाणी मी महिन्याला 8,000 रुपये देणारा. त्या ठिकाणी अध्यादेश या ठिकाणी आमच्या जाहीरनाम्यामध्ये राहुल गांधींनी काढला. त्याचबरोबर या ठिकाणी स्वस्तात गॅस मिळावा आणि त्याच्यावरचा जीएसटी कमी करावा या ठिकाणी त्यामध्ये उल्लेख त्या ठिकाणी आलेला आहे. आणि सरसकट कर्जमाफी जी उद्धव साहेबांनी महाराष्ट्रामध्ये दिली होती त्याच धर्तीवर शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी या ठिकाणी राहुल गांधी यांनी या ठिकाणी दिलेली आहे. आणि म्हणून या ठिकाणी आश्वासित करतो सर्व मतदार बंधूंना की या ठिकाणी पूर्ण भारतामध्ये एक परिवर्तनाची लाट तयार झालेली आहे आणि भाजपच्या पायाखालची वाळू या ठिकाणी घसरलेली आहे. 400 पार काय, पण 200 पार बी सुद्धा या ठिकाणी होत नाही. 186 सीटं या ठिकाणी त्या बीजेपीची लागणार आहेत. पूर्ण त्यांच्या याची या ठिकाणी 186 सीटं लागत नाही. म्हणून मी सर्व मतदार बंधूंना एक विनंती करतो, जालन्यामध्ये तर कल्याणकाळींचा विजय निश्चित आहेच, परंतु पूर्ण भारतामध्ये एक काँग्रेसची लाट या ठिकाणी आली महागठबंधनामधून. एक परत एकदा या ठिकाणी विनंती करतो, ज्या लोकांनी आपल्या आया बहिणीचे डोके फोडले, आपल्या लहान बाळांचे डोके फोडले, त्यांना त्यांच्यावर केसेस दाखल केल्या, खोट्या केसेस दाखल केल्या आणि आज एक शक्ती या ठिकाणी मराठ्याच्या नावाखाली उभी राहते आणि आपलं मतदानाचं विभाजन करून दानेसाहेब निवडून कसे येतील हा उद्देश त्याच्या मागचा आहे. हा तरुण मंडळीनं लक्षात घ्यावा आणि इमानदारीपूर्वक सांगतो, कल्याण काळे साहेब हे निवडून येणार आहेत, फक्त आपल्या तरुणांची त्यांना थोडीशी साथ द्या, म्हणजे जास्तीत जास्त मतं देखील त्यांना मिळेल आणि आपल्याला आपल्या उमेदवाराला आपल्या लोकसभेचा विकास करण्याची संधी या ठिकाणी द्यावी. कारण या ठिकाणी हा ऐतिहासिक असा आपला गड आहे, आपला जालना लोकसभा मतदारसंघ जसा आहे तो म्हणजे इकडं नाथसागर म्हणजे एकनाथाची भूमी आणि इकडं जे पर्यटक भारतातून आपल्या इथं येतात ती म्हणजे अजंठा लेणी असा ऐतिहासिक वारसा या ठिकाणी आहे. मित्रांनो, एवढंच हात जोडून नम्रतेची विनंती करतो की कल्याण साहेब यांचा विजय निश्चित आहे, परंतु आपल्याला जालन्यामधून त्यांना भरघोस मतांना निवडून करून द्यायचं आहे आणि गोरगरीब शेतकऱ्यांचा कृषी मंत्री म्हणून आपल्याला केंद्रामध्ये त्यांना बघायचं आहे. एवढीच मी या ठिकाणी कळकळीची विनंती जिल्हा अध्यक्षांनी या नात्याने करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत. सेवादल ग्रामीण और शहर से मतदान कीजिए और पूरे देश में माहौल बदलता जा रहा है महाराष्ट्र में और पूरे देश के अंदर माहौल बदलते जा रहा है. राहुल जी, गांधी, उद्धव जी ठाकरे साहब, शरद जी पवार साहब, इनके ऊपर भरोसा करके जनता ने आप रुख बदल दिया है. अभी जनता का माहौल चेंज होते जा रहा है, चाहे देखो महंगाई हो, शेतकरी का मुद्दा हो, शेतकरी का खत हो, सबके 400 रुपये से भाव 1200 रुपये तक है और उनको दाम नहीं मिला. जहाँ 3,000 की गोनी सोयाबीन की आती थी वहाँ 7,000 में हुई और जब भाव देने का टाइम आया तो 4,000 भाव दिए, तो शेतकरी आज नीचे आ गया. शेतकरी का जो बढ़ने का जो मामला है वो नीचे आ गया. शेतकरी की जो अर्थव्यवस्था है वो नीचे घट गई. इसी तरीके से पूरी तरह से ये सरकार ने घेरने का काम किया है. अभी लोग इनकी झांसी में आने वाली नहीं है. अभी इंडिया गाड़ी को लोग मतदान दिल से करना चाहते हैं. अगर उनके पास अगर कोई पहुँचा नहीं भी
तो वो मतदान की उनकी मनस्थिति होगी देश में बदलने की, इतना ही मैं कहना चाहूँगा। सिल्लोर शहर के जो है तो आज जो है तो कांग्रेस का काम जो है तो बहुत बुलंदी भी चल रहा है, और सिल्लोर तालुके में ग्रामीण भाग हो या सिल्लोर शहर का सिटी का भाग हो, उसमें जो है तो लोग जो है तो एक उत्साहित है मतदान करने के लिए। और जो है तो आज तक का जो भी जो आपको 25 साल हो गए जो है तो दानवे साहब को जो है तो चुन के आते हुए, सिल्लोर में जो है तो एक रुपये का विकास नहीं, कई गांव जो है तो हमारे तालुका से घूमे हम घूमे तो कई लोगों ने बोले कि इनकी आज तक दानवे साहब का चेहरा भी हमें पता नहीं, क्या 25 साल से जो है तो हम चुन कर दे रहे हैं दानवे साहब को तो उनका चेहरा ये तो उन्होंने नहीं देखे। आज भी सिल्लोर शहर में हम घूम रहे तो कई लोगों ने आज तक बोले कि भाई हमने भी खुद देखी नहीं। जैसा भाई इलेक्शन का टाइम आता है एक मरतबा जो है तो सभा लेते हैं और जो है तो विकास के नाम पे ये तो कोई विकास नहीं, निस्ता जो है तो उनके जुमले और जुमलेबाजी ही चल रही है। और जो है तो कांग्रेस की जो है तो सरकार जो है तो आने वाली है, और सिल्लोर तालुके में जो है तो बहुत ही लोग मतदान के लिए उत्साहित है, और ये बीजेपी सरकार से लोग जो है तो बहुत तंग आ चुके हैं, क्योंकि ये जो सरकार है ये सिर्फ जातिवाद और जो है तो युवाओं का जो है तो माइंड भटकाने का काम कर रही है, युवाओं में जो है तो एक फूट डालने का काम कर रही है, जातिवाद के नाम पर जो है तो सरकार चुनकर आ रही है, और जो है तो जातिवाद जो है तो इतना फैल चुका है कि कोई किसी को भी जो है तो अच्छी नज़र से नहीं देख रहा है। आज तुम देख सकते हो क्या खत के भाव कहाँ चले गए, जो है तो खत पर 18% GST लग चुका है, और जो है तो आपको कभी हीरा खरीदना चाहे तो उस पर 1.5% GST है, और जो है तो खत खरीदने जाए तो उस पर 18% GST है, अगर फॉर्चुनर समझे गाड़ी खरीदनी है तो उस पर 3% GST है, और ट्रैक्टर खरीदनी है तो उसको 15% GST है। तो ये जो सरकार है तो ये तो सिर्फ शेतकरियों की लूट कर रही है, और जो है तो मालों को जो है तो भाव नहीं मिल रहा। आज सोयाबीन का भाव जो है तो कितना है, 4,000 रुपये 4,200 रुपये, इसमें जो है तो खत के दाम खत का बिजवाई का और खर्चा नहीं निकल रहा है, और जो है तो अपने कपास का भाव जो है तो भाव बहुत कम ही है शेतकर